हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कैनुला नंबरिंग के बारे में और कैल कैनुला कलर कोड के बारे में। कैनुला कलर कोड क्या होता है और ये किन किन पेशेंट्स में लगाया जाता है, किस हिसाब से लगाया जाता है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं ग्रीन वाला कैनुला है, और उसके बाद में पिंक है, उसके बाद में ब्लू है, उसके बाद में येलो है, उसके बाद में पर्पल कलर है, उसके बाद में डार्क ब्लू है, यानी कि थ्री वे। तो हम बात करते हैं, ये आपका 20 नंबर कैनुला, ये 22 नंबर कैनुला है, और ये आपका 24 नंबर कैनुला है, और ये आपका 26 नंबर कैनुला है जो कि बच्चों में लगाया जाता है, और ये आपका 3B है। इसका यूज़ थोड़ा डिफरेंट है। सबसे पहले बात करते हैं ग्रीन वाले कैनुले की। ये आपका 18 नंबर कैनुला होता है। 18 नंबर कैनुला पेशेंट उन पेशेंट्स को लगाया जाता है जिनको फ्लूड, आईवी फ्लूड बहुत स्पीड से देना हो, या फिर जिनके वेंस जो होती है वो अच्छी प्रॉपर हमें दिख रही हो, जैसे एडल्ट हुए, इनमें हम 18 लगा सकते हैं। जैसे 20 नंबर, ये 20 नंबर कैनुला है, ये 20 नंबर कैनुला उन लोगों में लगाया जाता है जिनकी वेंस थोड़ी ठीक ठाक हो और आईवी फ्लूड भी थोड़ा अच्छा देना हो। ये कैनुला जो है 22 नंबर कैनुला उस पेशेंट को लगाया जाता है जब पेशेंट को, जैसे छोटे बच्चे, जैसे चिल्ड्रन आते हैं 10 साल के, 12 साल के, 15 साल के, ऐसे छोटे जो चिल्ड्रंस होते हैं ना, इनमें आपको स्कूल एज के जितने भी बच्चे होते हैं उनको आपको 22 नंबर कैनुला लगाना रहता है। 24 नंबर कैनुला उनको लगाते हैं जैसे 2 साल के बाद के जो बच्चे होते हैं, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, इस तरह के बच्चे होते हैं, उनको आपको 24 नंबर कैनुला लगाना है। और ये आपका जो लास्ट कैनुला है 26 नंबर, ये कैनुला न्यूबॉर्न्स में लगाते हैं, न्यूबॉर्न हुए या 1 साल के अंदर अंदर के जो बच्चे होते हैं उनमें लगाते हैं।